हाँ जी, अभी हमने पीछे 118 पॉइंट किया था, उसमें पल्मोनरी वेसो कंस्ट्रिक्शन अकर ड्यू टू रिड्यूस्ड सिस्टेमिक पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन था। तो वो रिड्यूस सिस्टेमिक नहीं होता, वो रिड्यूस्ड एल्वियुलर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको काइंडली करेक्ट करें। अच्छा, उसके बाद आता है हमारे पास पॉइंट नंबर 122, स्टिमुलस फॉर एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेशन इज। तो एरिथ्रोपोइटिन की सेक्रेशन का स्टिमुलस क्या होता है? हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया बेसिकली क्या करेगा? एरिथ्रोपोइटिन की सिंथेसिस को ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से एरिथ्रोसाइट ज़्यादा होंगे और इंक्रीज ऑक्सीजन डिलीवरी होगी। डेफिनेटली एरिथ्रोसाइट ज़्यादा है तो वो ऑक्सीजन को कैरी ज़्यादा करेंगे, डिलीवर ज़्यादा करेंगे। रीनल एडिनोमा में क्या होता है कि एरिथ्रोपोइटिन जो है वो ज़्यादा होता है। रीनल एडिनोमा में क्या होता है? एरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा होता है, जबकि एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है उसमें डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन होता है। ट्यूमर क्या करेगा? अब नॉर्मल एरिथ्रोपोइटिन प्रोडक्शन, सही है सर। सो एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेटेड बाय द किडनी इन रिस्पॉन्स टू सेलुलर हाइपोक्सिया, इट स्टिमुलेट्स आरबीसी प्रोडक्शन एरिथ्रोपोइसिस इन द बोन मैरो। एरिथ्रोपोइटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय इंटरस्टिशियल फाइब्रोब्लास्ट। अच्छा, इधर भी वर्ड याद रखें, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स जो होते हैं ना पीसीटी के, सही है, वो मेनली इन्वॉल्व होते हैं इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू पीसीटी, सही है सर। पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी सेल्स बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं पीसीटी के करीब। एमसीक्यूज हैं, एरिथ्रोपोइटिन इंक्रीज इन हाई एल्टीट्यूड एरिथ्रोसाइट सेकेंडरी टू एरिथ्रोपोइटिन सीन इन रीनल एडिनोमा, वही दोबारा दोबारा चीज़ें। एरिथ्रोपोइटिन सेक्रेशन इज इनहिबिटेड बाय, तो इनहिबिशन किससे होगी? थियोफाइलिन से। रेनिन की सेक्रेशन कहाँ से होती है? सही है, तो जेजी सेल्स। एरिथ्रोइड स्टेम सेल जनरेट इन बोन मैरो ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। 60 इयर्स ओल्ड लिथार्जी डिस्निया एक्सर्जन, तो ये एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी है। सही है, ESRD यानी एंड स्टेज रीनल डिजीज में आप क्या दोगे? सब कट एरिथ्रोपोइटिन देते हो, यहाँ पे IV लिखा है पर सब कट देते हैं यूजली। रीनल फेलियर है, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, हाउ विल यू ट्रीट? तो एरिथ्रोपोइटिन दे के। 17 ईयर ओल्ड क्रोनिक रीनल फेलियर नोन टू हैव सीवियर एनीमिया, तो आप क्या दोगे? मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है? रिकॉम्बिनेंट एरिथ्रोपोइटिन। उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन प्लस फॉर्मुलरी प्रोडक्ट्स कंटेनिंग आयरन भी देते हैं। स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो आर इन सेल साइकिल एंड कैपेबल ऑफ सेल्फ रिन्यूअल फॉर कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। 1, 2, 3 पॉइंट है, पोटेंट स्टिमुलेटर फॉर एरिथ्रोपोइटिन रिलीजेस। तो एरिथ्रोपोइटिन की जो रिलीज है उसके लिए पोटेंट स्टिमुलेटर कौन सा है? एरिथ्रोपोइटिन की रिलीज उसके वो होता है जी हाइपोक्सिया, जबकि एरिथ्रोपोइसिस जो है उसके लिए होता है एरिथ्रोपोइटिन, सही है। तो ये दो बातें याद रखने हैं। 1, 2, 4 है, राइट शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इफ देर इज डिक्रीज इन। तो राइट शिफ्ट ऑफ HB डिसोसिएशन कर्व कब होगी? जब डिक्रीज क्या होगा? pH। अब इसको कैसे याद रखना है? जो होती है ना शिफ्ट टू दी, एक याद रख लेते हैं, शिफ्ट टू दी राइट, सही है, शिफ्ट टू द राइट, वो बेसिकली होती है लेफ्ट टू राइट, पहले तो ये बात समझनी है। और जो शिफ्ट टू लेफ्ट होती है वो बेसिकली होती है राइट टू लेफ्ट, एक बात। अब जो शिफ्ट टू राइट है उसमें क्या होगा? उसमें हर चीज़ रेज्ड होगी, आर से राइट, आर से रेज्ड, रेज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज। जब रेज्ड ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यूज होगी तो ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी क्या होगी? कम होगी, सही है। रेज्ड एज प्लस, रेज्ड एज प्लस का मतलब क्या है? एसिडोसिस, सही है। जब रेज्ड एज प्लस होगा तो पीएच क्या होगी? कम होगी। पीएच क्या होगी? कम होगी। अच्छा, शिफ्ट टू राइट में और क्या होगा? रेज्ड PCO2, सही है, रेज्ड 2-3 BPG, सही है, रेज्ड टेम्परेचर, रेज्ड P50। तो हर चीज़ रेज्ड रेज्ड इन शिफ्ट टू दी राइट, सही है। शिफ्ट टू दी लेफ्ट में क्या होगा? लो ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज, लो ऑक्सीजन होगी डिलीवरी, तो उसका मतलब उससे हाई अफिनिटी है ना, इसलिए तो उसको डिलीवर नहीं कर रहा, उससे मोहब्बत है उसको, सही है। लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लो 2-3 BPG, लो टेम्परेचर, HBF, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, सही है सर, ये हो गया। उसके बाद 2-3 BPG के बारे में कुछ उसने बताया हुआ है कि एनहेंस द एबिलिटी ऑफ आरबीसीज टू रिलीज ऑक्सीजन नियर टिश्यूज एंड इट नीडेड द मोस्ट, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, सही है। ये बीटा चेन्स ऑफ HB के साथ इंटरेक्ट करता है और डिक्रीज करता है अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड प्रमोट करता है रिलीज ऑफ ऑक्सीजन शिफ्ट टू द राइट। बेसिकली फीटल HB के अंदर कोई बीटा चेन नहीं होती, इंक्रीज अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो थस ऑक्सीजन अफिनिटी जो होती है फीटस इज हायर देन डैट ऑफ अडल्ट, ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी उससे ज़्यादा होती है। दिस रिजल्ट्स इन मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मदर टू फीटस। अब HBF में क्या होता है? गैमा फीटस में होती है ना, बीटा चेन्स आर रिप्लेस बाय गैमा चेन्स, गैमा नहीं पढ़े, जी अम्मा पढ़े बच्चे में। और ड्यू टू विच इंक्रीज अफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सो लोअर ऑक्सीजन डिलीवरी, सही है। जब लोअर ऑक्सीजन डिलीवरी होगी तो ये क्या होगा? लेफ्ट शिफ्ट टू दी लेफ्ट, लोअर ऑक्सीजन डिलीवरी, रेज नहीं, लोअर ऑक्सीजन डिलीवरी, क्योंकि भाई वो जाने ही नहीं देता ऑक्सीजन, अफिनिटी ज़्यादा है ना। CO पॉइजनिंग में क्या होगा? इन्फिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर CO इज 200 टाइम्स ग्रेटर देन डैट फॉर ऑक्सीजन। तो जब CO बाइंड कर जाएगा HB के साथ तो द अफिनिटी क्रेविंग फॉर रिमेनिंग साइट्स फॉर ऑक्सीजन इज कॉजिंग एन एक्सट्रीम शिफ्ट टू द लेफ्ट, सही है। उसके बाद वो कौन सी चीज़ है जिसमें शिफ्ट टू राइट होती है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज इन टेम्परेचर टिश्यूज प्रोड्यूस मोर कार्बन डाइऑक्साइड विच डिक्रीजेज टिश्यू pH एंड थस बहुत अफेक्ट अकर। तो R वाला जो बहुत अफेक्ट है वो इसमें होता है, विच स्टिमुलेट्स ऑक्सीजन डिलीवरी टू द इंक्रीजिंग मसल। अब
प्रैक्टिस एमसीक्यूज कुछ कर लेते हैं। एचबी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट इंक्रीज पीएच, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शिफ्ट टू द एचबी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टू द राइट डिक्रीज पीएच, राइट शिफ्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन अकर इन इंक्रीज CO2, लिफ्ट लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इन हाइपोथर्मिया यानी डिक्रीज टेंपरेचर। सारी चीजें वही हैं जो अभी मैंने बताई हैं, सही है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज राइट शिफ्ट कर्व एसिडोसिस में कंपेयर टू एडल्ट एचबी, फीटल एचबी इज डिफरेंट इन लोअर एफिनिटी फॉर 2 3 बाय फास्फोग्लिसरेट्स। इन राइट शिफ्ट ऑफ ऑक्सीजन एचबी डिसोसिएशन कर्व एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी 35 मिलीमीटर एचजी, ये रिटेन करना है कि राइट शिफ्ट में 35 मिलीमीटर एचजी होता है। उसके बाद आता है जी राइट हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व अकर्स बाय डिक्रीज इन पीएच, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व शिफ्ट टू द राइट एसिडोसिस, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एक्सट्रीम शिफ्ट टू द लेफ्ट। तो वो क्या था, सीओ पॉइजनिंग अफिनिटी ज्यादा थी 200 टाइम्स। राइट शिफ्ट ऑफ एचबी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अकर्स इन डिक्रीज ऑफ तो पीएच, डिक्रीज ऑफ पीएच 1 टू 5 पॉइंट है। इन राइट शिफ्ट ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व द मोस्ट लाइकली वैल्यू ऑफ P50 वुड बी, तो वो रेज्ड होगी ना, वो 35 होगी, P50 की जो वैल्यू है वो 35 होगी, ठीक है सर। द P50 क्या है, इज द ऑक्सीजन टेंशन एट विच हीमोग्लोबिन इज 50% सैचुरेटेड, सही है। तो वो ऑक्सीजन टेंशन जिसमें हीमोग्लोबिन जो 50% सैचुरेटेड, उसे कहते हैं नॉर्मल P50 जो होता है वो 26.7 है, जो अभी मैंने कहा है रेज्ड है वो क्या था 35, ठीक है। HB अफिनिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू P50 वैल्यू, मीनिंग शिफ्ट टू द लेफ्ट में हाई ऑक्सीजन अफिनिटी होगी लेकिन P50 लो होगा, शिफ्ट टू द राइट में यानी लो ऑक्सीजन अफिनिटी होगी और P50 हाई होगा। During transport of carbon dioxide in blood, the amount of carbon dioxide dissolved in plasma at 45 mmHg is, so that is 2.7%.